हेलो सर, माय नेम इज राजकुमार शर्मा। आई एम बीटेक फ्रॉम आईआईटी धनबाद। आई एम ऑथर ऑफ रोडो सॉल्यूशन। तो आज मैं आपको आईआईएससी बेंगलोर के विषय में बताने जा रहा हूँ। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है इन बेंगलुरु में, और ये ग्लोबली इसकी सेकेंड रैंक है यूनिवर्सिटी में। ग्लोबली यूनिवर्सिटी में ग्लोबली सेकेंड रैंक है इसकी, और एक अच्छा रिसर्च सेंटर है। आप यहाँ से जब अंडर ग्रेजुएट करेंगे तो बीएससी कर सकते हैं, देन आप एमएससी कर सकते हैं, फिर पीएचडी कर सकते हैं वहाँ से, या आप एमटेक वहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम बाकी आईआईटी से कंपेयर करें तो कुछ आईआईटी से ये बहुत ही अच्छी है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि बेसिकली आईसी बेंगलोर बच्चे क्यों ऑप्ट करते हैं, क्यों आईआईटी बच्चे ज्यादातर ऑप्ट करते हैं, क्या कंपेरिजन है। मैं ये भी आपको आज समझाऊंगा, और साथ में आईसी बेंगलोर में कैसे एडमिशन ले, ओबी जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एसटी एसटी, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस, सबका मैं बताऊंगा कि कितनी रैंक पे ये आईसी बेंगलोर आपको मिलता है, ठीक है। उसकी एक एक बात, एक एक टर्म्स में एनालिसिस करूंगा। बेसिकली होता क्या है कि आईसी बेंगलोर केबीपीवाई, ठीक है, प्लस केबीपीवाई 11th और 12th दोनों के लिए में है। अगर आप 11th केबीपीवाई क्वालिफाई करते हैं तो भी आप एससी बेंगलोर में जा सकते हैं। आप अगर 12th केबीपीवाई, अगर एसएक्स केबीपीवाई, एसएक्स 12th का होता है, अगर उसे आप करते हो तो भी आप आईसी बेंगलोर में, आईएससी बेंगलोर में जा सकते हैं। साथ में आईटी जेई मेंस की अलग रैंक, आईटी जेई एडवांस की अलग रैंक पे होता है। ये नहीं कि आप मेंस क्वालिफाई कर लिए, एडवांस नहीं किए तो भी आप जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द उनकी जो एक क्या कट ऑफ रैंक होती है, उसको आपको क्वालिफाई करना होगा। तो एक एक करके काउंसिल के बनाते हैं, फिर री काउंसिलिंग बुलाते हैं। तो सब एक एक मैं आपको जो फैक्ट्री होता है मैं आपको अभी दिखाऊंगा, और आपको मैं समझाऊंगा कि इसमें कैसे जाया जाएगा। यहाँ का प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, यहाँ का प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अच्छी कंपनियां आती हैं, अच्छे आपको ऑफर दिया जाता है रिसर्च करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम आपके सामने पीडीएफ फॉर्म लाएंगे और आप उसको देखें। ओके, देखिए तो आपके सामने आ भी गए हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान। ये साइट है iisc.ac.in। आप इस साइट पे जाके इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें एक टर्म्स है फैक्यू, इसमें देखिए, व्हाट प्रोग्राम अवेलेबल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, हाउ कैन आई गेट टू आईएससी। द फर्स्ट पॉइंट इज दिस वन, देखिए ये लिख रहा है द फॉलोइंग चार्ट गिव द इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को मैं आपको दूसरे पेज पे दिखाता हूँ। अभी ये छोटा सा पेज है, इसको देखिए। देखिए ये एलिजिबिलिटी, हाउ वी कैन गेट इन टू आईआईएससी। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं तो आपको क्वालिफाइंग एग्जाम्स केबीपीवाई, आईटीजेई और नीट का एग्जाम देना होगा। इस प्रोग्राम के थ्रू आप बैचलर ऑफ साइंस या मास्टर ऑफ साइंस डिग्री अचीव करेंगे। डिसिप्लिन जो होगा आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अर्थ, एनवायरमेंटल स्टडीज, मटेरियल एंड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में आप रिसर्च कर सकते हैं। तो देखिए एक एक करके बताता हूँ। 12th में जब आप केबीपीवाई में जाएंगे ना, तो जब आप 11th क्लास में रहिए तो भी केबीपीवाई की एग्जाम दीजिए, और 12th क्लास में रहिए तभी भी आप केबीपीवाई की एग्जाम दीजिए, ठीक है। अगर आप 11th क्लास में केबीपीवाई में एक रैंक सेलेक्ट कर लाते हैं, जैसे 210 जनरल कैटेगरी में, और वही 12th की भी केपीवाई में अगर 210 के अंदर लाते हैं, किसी एक में मिला दीजिए, तो आपको आईसी मंगलौर काउंसलिंग के बुलाता है। तो काउंसलिंग के बुलाता है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो भी बता दूंगा, कि आपको जैसे ही केपीवाई रिजल्ट आएगा ना, तो उसके विदिन 1 वीक आईएससी बेंगलोर के साइट पे जब फॉर्म अवेलेबल आपका फिलअप कर चुके होंगे तो उसमें रिजल्ट आ जाएगा, आपके पास मैसेजेस जाएंगे, और उस फॉर्म में आपको फिलअप करना होगा कि आपकी इतनी रैंक है, उस रैंक के हिसाब से अपनी काउंसलिंग करेंगे। फिर आईटीजेई मेंस के थ्रू होता है, आईटीजेई एडवांस के थ्रू होता है, सिमिलरली ये चीज नीट में भी होता है, ठीक है। अच्छा, बैचलर ऑफ साइंस मतलब बीएससी करने के बाद आप एमएससी करेंगे वहां से, फिर उसके उसके बाद ये जो ब्रांचेज है ना, एक्चुअल में जो बीएससी होता है इसमें 8 सेमेस्टर होता है, 4 साल का होता है। इस 8 सेमेस्टर में जो फोर्थ सेमेस्टर होता है ना, उससे आप 4th सेमेस्टर तक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन 3 सेमेस्टर में आपको तो सारे पढ़ने होंगे, लेकिन जब 4th सेमेस्टर में जाएंगे, जैसे अगर पीसीएम में है तो आपको पीसीएम 3 में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप अगर 4th सेमेस्टर में जाते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच को आप ऑप्ट कर लेंगे, चाहे साइंस हो, फिजिक्स हो, या केमिस्ट्री या मैथ हो,
ठीक है, या अगर आप एसबी में हैं तो बायोलॉजी ऑप्ट करिए। ठीक है, ये तो मैंने आपको अभी बताया कि 12th में है तो कौन कौन से एग्जाम है, केबीपीवाई, आईटीजेई मेंस या एडवांस एनईटी एग्जाम। ठीक है, इसके बाद आते हैं कुछ और डिटेल्स जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अब देखिए इसमें कह रहा है कि ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इंस्टीट्यूट वेबसाइट iisc.in एडमिशन। इसमें हम जो फर्स्ट बात करेंगे दैट इज द बैचलर ऑफ द साइंस, ठीक है, रिसर्च अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद फी स्ट्रक्चर्स में आते हैं। फी स्ट्रक्चर्स में ये अगर आप बैचलर ऑफ साइंस ले रहे हैं, बीएससी पे अगर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो बीएससी की जो फीस है टोटल वो 30,000 है, फॉर 1 ईयर फीस है 30,000, और इसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं वहाँ पे। तो 30,000 एक नॉमिनल फीस है, और आपको एक अच्छा डिग्री दे रहा है, आपको वर्ल्ड में एक इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड है, तो आपको अच्छे प्लेसमेंट मिलेंगे, आपको अच्छे रिसर्च करने मिल सकते हैं, कंपनी आपको रिसर्च के लिए बुला सकती है, और एसटीएसटी कैटेगरी की जो फीस है 20,000 है, 1 साल की फीस है। अच्छा, अब हम बात करें जा रहे हैं बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च प्रोग्राम, बेसिकली हम लोग बीएससी की बात कर रहे हैं आईसी बंगलोर में, क्योंकि हम लोग 12th की बात कर रहे हैं, तो 12th के तुरंत बाद आप बीएससी ही ले सकते हैं, आप एमटेक वगैरह नहीं ले सकते। तो बीएससी में फर्स्ट, इज देयर एनी कोर्स अवेलेबल एट द आईएससी आफ्टर 12th? यस, बिल्कुल है, आप बीएससी कर सकते हैं, ठीक है, आफ्टर दैट आप एमएससी कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट आर द सब्जेक्ट ऑफर्ड इन द बैचलर ऑफ द साइंस? तो इसमें देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, अर्थ और इन्वायरमेंटल्स है, ये शुरुआत में आप पढ़ेंगे 3 सेमेस्टर तक, 4th सेमेस्टर से आप एक पर्टिकुलर आप सब्जेक्ट ले लेंगे, चाहे वो बायोलॉजी हो और मैथ हो या साइंस हो या फिजिक्स हो। ठीक है ना, देर इज नो स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफर इन द बैचलर ऑफ द साइंस प्रोग्राम, द स्टूडेंट मस्ट स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, अर्थ, इन्वायरमेंट, ये सब कुछ स्टडी करना होगा, एंड ओनली इन द 4th ईयर, देखिए ओनली इन द 4th ईयर स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट विल बी गिवन टू द स्टूडेंट बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट ईयर। ओके, तो मैंने पहला बताया कि आपको फर्स्ट 3 सेमेस्टर तक आपके सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, पीसीएम, बायोलॉजी, अर्थ, इन्वायरमेंटल, मेटेरियल्स। उसके बाद 4th सेमेस्टर से आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑप्ट करना होगा, जैसे फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री या मैथ, जो आपको स्पेशलाइजेशन आपको लगे आप उसको लेके आप बीएससी कंटिन्यू करिए, और आफ्टर एमएससी में भी आप उस सब्जेक्ट को ले सकते हैं, उसी सब्जेक्ट को लेंगे। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ बैचलर ऑफ द साइंस इन दैट 8 सेमेस्टर? एनआई एनआरआई के लिए भी अलग से है, वो आप कर सकते हैं। कैन आई अप्लाई टू बायोलॉजी इन दैट प्रोग्राम? यस ऑफ कोर्स। नहीं, कैन आई अप्लाई फॉर बायोलॉजी इन, नहीं, नो, देयर इज नो स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफर इन बैचलर साइंस प्रोग्राम, यू कैन टेक बायोलॉजी मेजर सब्जेक्ट इन द कोर्स। ओके, इज एनी एरोनॉटिकल? नो। इज द इंजीनियरिंग ऑफर्स? नो, इंजीनियरिंग 12th के बाद नहीं है, आप एमटेक के बाद कर सकते हैं। व्हेन डज द सेमेस्टर स्टार्ट? अगस्त में स्टार्ट होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा इस वेबसाइट पे, ठीक है, और फर्स्ट फेब से ये ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाता है, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा कि आप फर्स्ट फेब में इसका फॉर्म भर सकते हैं, और ये अप्रैल तक है, इसका आपको पूरा ध्यान रखना होगा। इस वेबसाइट पे आपको ये फॉर्म अवेलेबल होगा। इसमें व्हाट आर द डेट इन द कैलेंडर इवेंट इन द एडमिशन ऑफ यूजी प्रोग्राम्स? तो देखिए लास्ट डेट ऑफ लाइन सबमिशन इज 16 अगस्त, ठीक है, तो आप फर्स्ट फेब में स्टार्ट हो रहा है, 16 अगस्त का लास्ट है, इसको ध्यान रखना, भर जरूर देना, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ अपडेटिंग द एनईटी रिजल्ट। अच्छा, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है ना कि कैसे आपको पता चलेगा कि आप की काउंसलिंग होने वाली है, तो जब आप ये फॉर्म को भर देंगे, एक बार फिलअप कर देंगे, तो उसके बाद जेई का रिजल्ट आएगा, केबीपीवाई का मान लीजिए रिजल्ट आता है, तो केबीपीवाई के रिजल्ट आने के विद इन वन वीक आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, जिसमें आपको क्या करना होगा, एक मैसेज में फील दिया होगा कि आपको इस वेबसाइट पे जाना है, आईएससी बेंगलोर की वेबसाइट पे जाना है, उसमें आप अपनी रैंक को फिल कर देंगे, अपना जो इन्फॉर्मेशन उसे फिल कर देंगे, फिर वो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे उस हिसाब से, और हर एग्जाम के विदिन 1 वीक वो कॉल कर लेते हैं। और डेट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ आईएससी द लास्ट वीक ऑफ जुलाई, जुलाई में आपको वहां पे रिपोर्ट करना होगा, अगस्त में शुरू हो जाएगा। व्हाट इज द कट ऑफ ऑफ द एडमिशन ऑफ 2016? लेकिन मैं आपको अभी बताता हूँ नया डेटा, ये तो 16 का है। आई हैव सम डाउट रिगार्डिंग एडमिशन, व्हेन शुड आई कॉन्टेक्ट? तो ऑफकोर्स आप इसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं,
इसके बाद एमटेक प्रोग्राम, इसके विषय में अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए नहीं जरूरत है क्योंकि ये बीएससी एमटेक मतलब बीटेक आप कहीं से कर लीजिए, उसके बाद इसकी जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली यहीं से मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईआईटी एंड आईएससी। एक्चुअली में ना आईआईटी इज ओनली प्रेफर्ड फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ओके, आज मैं आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूं कि बेसिकली आईएससी बेंगलुरु और आईआईटी में क्या अंतर है, ऐसा क्या होता है, बच्चे करना करना क्या चाहते हैं। तो आईआईटी इज स्पेशली फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। अगर कोई बच्चा आईआईटी आईआईटी के एग्जाम क्वालिफाई करता है तो उसके दिमाग में सबसे पता क्या आता है कि हमें आईआईटी से बीटेक करना है, तो आईआईटी से बीटेक करना वो ज्यादा प्रेफर करता है। लेकिन अगर किसी बच्चे के दिमाग में कि नहीं हम रिसर्च करना चाहते हैं, तो बेटर है कि रिसर्च करना है देन गो टू आईआईटी बेंगलोर। बीटेक स्पेशली आईआईटी का बीटेक पसंद किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको एमटेक करना है, तो बताता हूं कि एक्चुअल में एमटेक करने के लिए आईआईटी से जो बीटेक करने वाले बच्चे होते हैं वो एमटेक प्रेफर नहीं करते हैं, वो वहीं से जॉब कर लेते हैं। तो अगर आपको एमटेक करना है देन यू गो टू आईआईटी बेंगलोर इज गुड। तो बस फर्क यही होता है कि अब बीटेक का प्रॉब्लम है और उधर रिसर्च का प्रॉब्लम है। आईआईटी में अगर आप जाते हो तो आप बीटेक के लिए जाओगे, टेक्नोलॉजी के लिए जाओगे, तो उसके लिए वो फेमस है। आईआईटी बेंगलोर रिसर्च के लिए फेमस है, बट रिसर्च करने वालों की संख्या कम होती है। एक और है बेसिक डिफरेंस मैं बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली में अगर आपकी रैंक ना आईआईटी 200 के अंदर आती है एंड यू ऑप्ट आईसी बेंगलोर, तो तभी तुम ऑप्ट करना जब आप ओरिएंटेड रहो रिसर्च में, अदरवाइज बीटेक इज बेस्ट। कि आप जब वहां से रिसर्च करोगे ना तो आपके साथ जो आपके फ्रेंड्स होंगे एक्चुअली में वो बहुत अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि बहुत कम रैंक थोड़ा सा ज्यादा रैंक वाले बच्चे भी आईसी बेंगलोर में चले जाते हैं। बट आईआईटी में अगर आपके 200 रैंक है और अगर आप जाते हो किसी बीटेक करते हो किसी आईआईटी से, तो आपके आसपास जितने होंगे सब के सब अच्छे रैंक वाले होंगे। तो आईआईटी इज ओनली प्रेफर फॉर बीटेक डिग्री, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एमटेक। एमटेक गेट क्वालिफाई करने के बाद आईआईटी वाले गेट तो एग्जाम ही नहीं देते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा कंपेयर करना बड़ा अजीब लग रहा है कि आप आईआईटी को कंपेयर आईसी बेंगलोर से करो। बोथ आर द टू डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजें हैं यार। वो बीटेक के लिए फेमस और रिसर्च के लिए फेमस है, तो तुम क्या चाहते हो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि आप कितना अच्छा रैंक लाते हैं आईटी के अंदर। अगर आपने अच्छी आईटी के अंदर रैंक नहीं लाई है, तो जरूर आईसी बंगलोर का फॉर्म भर दो, क्योंकि वो अच्छा तो है ही, नो डाउट अच्छा है। तो आप रिसर्च करके आप रिसर्च स्कॉलर बनो, पीएचडी करो, और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाओ, प्रोफेसर बनो, या किसी अच्छे कंपनी में रिसर्च करो। ठीक है, तो यहां पे मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूं कि आईसी बंगलोर और आईटी में कोई, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बस इतना रहा कि बीटेक अलग है, रिसर्च अलग है। तुम क्या चाहते हो इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छी रैंक आती है और तुम रिसर्च ओरिएंटेड, देन गो टू आईसी बंगलोर। और आईटी आईसी बंगलोर में जो भी इक्विपमेंट होंगे वो नो डाउट आईटी से बेटर है, रिसर्च के जो भी इक्विपमेंट है, और आने वाले टाइम में और बेटर होता जा रहा है। तो मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, सिंपल एक बात है कि अगर आप बीटेक ओरिएंटेड है देन गो टू आईटी, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड गो टू आईटी, रिसर्च ओरिएंटेड गो टू आईआईएससी बंगलोर। ठीक है, और थोड़ी बहुत रैंक अगर खराब आती है तो फॉर्म भर दो आईआईएससी बंगलोर, जब आईआईएससी बंगलोर अच्छी लाइफ होगी। ठीक है, एक और बात बताना चाहता हूँ एंजॉयमेंट के पार्ट से। एंजॉयमेंट अगर तुम्हें करना है, एंजॉय करना है, तो नो सब्स्टिट्यूट ऑफ आईटी, साथ में पढ़ाई भी। बट आईसी मंगलोर उतना एंजॉयमेंट नहीं हो पाएगी, वहाँ पे फेस्ट वगैरह कम होंगे, आईटी में तो खूब होते हैं। हमने किया है, तुम भी करोगे। ओके, चलिए कुछ चीजें और मैं आपको रैंक के विषय में बता दूं कि कैसे कितनी रैंक तक क्या मिलता है। अच्छा, सबसे अच्छी बात है इसकी कि आईसी मंगलोर की फीस भी देखो, अगर तुम वीक फैमिली से बिलोंग करते हो तो 30,000 वन ईयर फीस है, और अगर पढ़ने में अच्छे हो तो 20,000 ओबीसी कैटेगरी है, नहीं किसकी,
एसटी की है, और ओबीसी और जनरल की ये कितना दिया गया है, 30,000 है 1 ईयर फीस। और पढ़ने थोड़ा सा अच्छे हो तुम, अच्छा स्कोर कर गए तो इसमें भी आपको रिबेट मिलेगा, तो इससे भी ऑप्ट कर सकते हो। और आईआईटी की फीस ज़्यादा है, एक सेमेस्टर की फीस है 1,10,000 के आसपास, दो सेमेस्टर की फीस करीब 2,40,000 हो गए, और साथ में हॉस्टल, हॉस्टल की फीस तो आईआईटी में बहुत ही कम होती है, मेरे टाइम पे थी करीब पता नहीं मुझे तो लग रहा 300 रुपया थी शायद एक साल की फीस, मुझे मुझे याद आ रहा 34,000 एक साल की फीस थी, तो ट्यूशन फीस के साथ पूरा मिला के 34,000 आता था एक साल का, जबकि आज का देखो 2,30,000 तक पहुंच गया आईआईटी की, तो फीस भी आईआईटी की ज्यादा। बट अगर रैंक बहुत अच्छी है तो पढ़ने बहुत अच्छे हो तो नो डाउट फीस इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंक फाइनेंस कर देता है। ओके अब हम बात करेंगे आईआईएससी बेंगलोर में जाने के लिए, जो 2019 में जो हुआ था इसके विषय आपको बताता हूँ। देखिए ये रिजल्ट है, तो कॉलिंग कैसे हुई, फर्स्ट मैं आपको सारा डिटेल बता रहा हूँ। देखिए ये था 22 जुलाई को जो आया था उसमें था कि जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ रैंक ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इन डिफरेंट कैटेगरी इन जेई मेंस, ये पहले केवीपीवाई देखते हैं, अगर किसी बच्चे का केवीपीवाई एसए केवीपीवाई एसएक्स और इसमें एसवी भी है, देखिए केवीपीवाई एसए केवीपीवाई एसएक्स इसका यहाँ पे दिया हुआ है, तो केवीपीवाई में जिसकी रैंक अगर वो जनरल कैटेगरी में है और वो केवीपीवाई 11th में एसए और 12th में एसएक्स किसी भी एक में अगर उसकी रैंक 221 से 240 तक आता है जनरल कैटेगरी में, तो उसको कॉल किया गया था कि आप आइए एससी में एडमिशन के लिए। केपीवाई एसेक वन ईडब्ल्यूएस, ये जिनके जो वीक फैमिलीज होते हैं उनके लिए होता है, उनके लिए रैंक थी 961 से 1539 तक के बीच में अगर आ रहा है तो उनको कॉल किया गया था। तो जनरल कैटेगरी के लिए 221 से 240 तक जिनकी रैंक थी, टिल 240 तक जिनकी रैंक थी उनको कॉल किया गया था, ये केबीपीवाई स्पेशल के पर इसलिए कहा था केबीपीवाई एक अच्छा एग्जाम, वो तो नो डाउट है, तो तुम्हें देना भी चाहिए कि तुम्हारे पास एक ऑप्शन है हो जाए आईएससी बैंगलोर का, तो तुम अलग फील गुड करोगे, फील गुड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारे दिमाग आईएससी बैंगलोर तुम्हें मिला ही हुआ है तो आईटी भी बहुत अच्छा, उसमें भी बहुत अच्छा करोगे आप। अब है कट ऑफ रैंक फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इन डिफरेंट कैटेगरी इन जेई मेंस। अब जेई मेंस के लिए जो जनरल रैंक है 221 से 240 तक जनरल कैटेगरी को कॉल किया गया था, जिनकी रैंक 240 तक है टिल 240 तक, अरे 1 से लेकर 240 तक इनकी रहेगा, वो जा सकते थे, उनको कॉल किया गया था एडमिशन के लिए। ओबीसी में ये 5,000 से लेके 9,000 रैंक तक था, ओबीसी वालों कॉल किया गया था, 9,000 तक के रैंक के बच्चे जा सकते थे। तो तुम देख सकते हो यार अगर तुम्हारी रैंक ओबीसी में अगर हो तो तुम्हारे लिए कितना बेटर चांस है आईएससी बैंगलोर, 8,000 9,000 रैंक ना बहुत बड़ी बात है, ये फर्स्ट कॉलिंग की गई थी। इसके बाद इधर एससी के लिए देखिए 8,000 से 14,000 तक चल रहा है, एसटी के लिए 70,000 तक जा रहा है, मतलब नो डाउट आपको फॉर्म भरना ही चाहिए ऐसे बंगलोर का, ठीक है, एक बेस्ट यूनिवर्सिटी एंड दूसरा आपको एक अच्छा फील गुड देगा कि आपको कोई एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको बीएससी और एमएससी करने का मौका मिल गया है। अगर आप यहाँ से करते हैं तो आप रिसर्च करेंगे फॉरेन कंपनीज में, इंडियन कंपनीज में, ठीक है, और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर बन सकते हैं, तो एक अच्छी लाइफ होगी। ओके ये तो इसके बाद जो दोबारा कॉलिंग की गई थी उसका भी इसमें दिखा रहा है। ठीक है ओबीसी को बाद में जब कुछ सीटें कम पड़ गई होंगी तो 9,000 से 20,000 तक गया था कॉलिंग के लिए बुलाया गया था, ठीक है, उसके बाद ये ओबीसी के लिए ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी के लिए देखिए ये रैंक्स दी गई है, ठीक है, इसका मतलब मैं आपके बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आप इस चीज को ध्यान रखिए, स्पेशल मैंने आप बताई ये डेटा आप दिमाग के अंदर रख रहे हैं, और आप आईसी बंगलोर का फॉर्म भरिए, मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा और करूंगा और करना ही चाहिए किसी भी हाल में, फर्स्ट फेब को प्लीज, इसी फर्स्ट फेब को जब आता है फॉर्म तो आप दिमाग रख रही है आईसी बंगलोर क्या करना है, फॉर्म भरना है किसी भी हाल में, फॉर्म भरना है, एडमिशन लो एंड नो लो अलग इशू है यार, अलग इशू है, फॉर्म भरो और कोशिश करो, ठीक है, कि एक अच्छी रैंक लाने के लिए जनरल कैटेगरी में के लिए तो ये है, ओबीसी के लिए देखो मतलब आराम से हो सकता है, एससी के लिए और एसटी के लिए और बेटर से, तो फॉर्म जरूर भरिएगा आईसी बंगलोर का, ठीक है।
और अगर आप 11th क्लास में हैं तो फिर आप KPI का फॉर्म भर दीजिए, 12th में है तो भी KPI कर दीजिए, JEE Mains, JEE Advanced और NEET का भी। ओके, थैंक यू।